सर परिचय अपना दीजिएगा, क्या मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह सन्ना श्री केशव प्रसाद सिंह ग्राम निवाड़ा है और हम एक प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक हैं, बनारस के एक रेप्यूटेटेड विद्यालय में शिक्षक हैं। क्या हुआ था, क्या कब की घटना है? हमें फ़ोन मिलता है कि आपके जो हम लोगों का मकान बना है कुछ गुंडे लोग आकर के उसको जो है गिरा रहे हैं, वहाँ पर अपना निर्माण समय कब्जा कर रहे हैं। उसके बाद मैं तुरंत वहाँ से निकलता हूँ, अपने प्रिंसिपल को अवगत कराता हूँ कुछ इमरजेंसी कार्य से हमको जो है जाना है सर, कृपया आप हमको जाने दीजिए। सर ने कहा आप अप्लीकेशन लिखो, हमने कहा सर प्लीज़ हमको जाने दीजिए, आने के बाद ही आपको अप्लीकेशन दे पाएंगे। सर ने अलाउ किया, उसके बाद हम आते हैं, हम सीधे वहाँ से स्कूटी लेकर के गिराकर तहसील पे जाते हैं। वहाँ पे उसी दिन तारीख भी इसकी रहती है, पैमाइश की तारीख रहती है SDM कोर्ट के अंदर जो जस्टिस के पास, SDM जस्टिस को उस दिन वहाँ पे बैठे नहीं रहते हैं लेकिन ऑफिस में रहते हैं। मैं उनको अपना अप्लीकेशन सबमिट करता हूँ, बताता हूँ कि हेमंत कुमार सिंह सन्नाफ रघुवंश प्रताप सिंह एवं राकेश दुबे एवं अरुण दुबे सन्नाफ कांता दुबे ग्राम मंजगवाकोट जबरदस्ती पहुँच करके 8:30 से 9 बजे के बीच में जेसीबी के द्वारा हमारे बनाए गए हुए करीब 30 से 40 साल पहले निर्मित 4 दुकानों को धराशायी कर देते हैं। उस दिन 112 नंबर पर फ़ोन करने के बाद वह पुलिस जो है लेट से आती है, जब तक वह मेरा मकान चारों दुकान धराशायी नहीं हो जाता तब तक नहीं आते हैं। आने के बाद वह अभियुक्त को गुंडों को न ले जा करके हमारे भाई को और 2 अन्य अपोजिट पार्टी के लोगों को ले जाते हैं और उनको थाने पे बंद कर देते हैं, बाकी शेष लोगों को यहीं पे छोड़ दिया जाता है कि वह निर्माण कार्य अपना करते रहें। और निर्माण कार्य होता भी रहा सर। सबसे बड़ी खेद की बात है कि आने के बाद जो विक्टिम है उसी को अरेस्ट किया जाता है। गुंडे यहाँ नंगा नाच रहे हैं, हम तो कहते हैं योगी जी का शासन है, गुंडे अपने जो है घर के अंदर दुबक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है सर। हमें योगी जी से, शासन से, प्रशासन से न्याय चाहिए, हमें ऐसे ऐसे गुंडों को सख्त सख्त सजा दिलानी चाहिए और घुसखोर जो भी अधिकारी बैठा है उसको सस्पेंड करने की ज़रूरत है सर, अन्यथा फिर एक समय आएगा गुंडे ही नाचेंगे और हम सर जो सीधे साधे लोग हैं घर में दुबक करके चूड़ियाँ पहन करके बैठना होगा सर। यदि हम लोग भी उस दिन कुछ ऐसा करने की कोशिश किए होते तो हम लोगों की सभी लोगों की लाशें यहाँ पे बिछी होती, उसके बाद प्रशासन आता कफन देता, कुछ मुआवजा घोषित कर देता, 10 लाख 5 लाख इनको दे दो भैया, पर पर्सन दे दो, काम खत्म हो जाता। इस तरह से यह लोकतंत्र में कब तक चलेगा सर? हमें न्याय चाहिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हेमंत कुमार सिंह रघुवंश प्रताप सिंह के जो पुत्र हैं उनको और राकेश एवं अरुण दुबे कांता दुबे के पुत्र हैं सराय बीरू के और मझगवा के जो ये लोग हैं और इनके साथ जितने भी गुंडे हैं, हमारे पास वीडियो में मैक्सिमम लोगों का वीडियो भी है जो गुंडे जेसीबी लेकर के गिरा रहे हैं, उनकी गाड़ियां यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको सीज करें, उनके ऊपर कार्रवाई करें। मेरा हफ्ते वही उनके ऊपर हमारा जो 4 कमरा गिरा हुआ है उसको बनाने का आदेश है। आपका पैर कैसे टूट गया? वह हमको यहाँ पे शाम को 4 बजे के करीब जो है हम जा रहे थे, इधर से हमको धक्का दे दिए 2 लोग और हम गिर गए और थोड़ा बातचीत हार्ड टॉक कर रहे थे कि हम बना करके दिखाएंगे, किसकी औकात है रोक लेंगे, तो हमने कहा कि आप क्यों बनाएंगे, आपका कैसे है, तो उस पर 2 लोगों ने हमको धक्का दे दिया जो जेसीबी और उसके साथ वहाँ पे घूम रहे हैं सर, वही लोग थे जो है। और हमारे पैर हमें लगा कि चलो थोड़ा बहुत चोट लगा होगा, लेकिन हम दूसरे दिन से समय मिलने पर जाकर के एक्सरे कराते हैं तो 2-2 जगह फ्रैक्चर मिलता है सर। तो मेरा योगी जी से अनुरोध है, शासन से, प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे गुंडे माफियाओं को सख्त सख्त कानूनन के साथ कार्रवाई किया जाए ताकि जो है एक नज़ीर बन सके कि और दूसरा गुंडा माफिया ऐसा काम न कर सके। भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर ज़रूर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए सर। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह। गांव का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? निवाड़ा गांव के। थाना कौन सा है जी? थाना कौन सा है? थाना जलालपुर है। जनपद? जौनपुर।
क्या मामला है आप लगातार पुलिस अधीक्षक से? मामला सर ये है कि जैसे हमारी दुकान बनी हुई थी सब हम जो है 76-77 का हमको पड़ा। दुकान आपकी कहाँ पर बनी हुई थी? सामने जो गिरा हुआ है गिरा कौन सा मार्केट मार्केट चौड़ी बाजार में जबरदस्ती गुंडे आए उसको गिरा दिए बिना किसी आदेश निर्देश शासन प्रशासन के जबरदस्ती गिरा दिए। उसके बाद 112 पर हम कॉल किए, 100 गिराने से पहले ही हम 112 पर कॉल किए तो हमको उठा ले गए दो लोगों को उसमें से ले गए। जो साजिश करता है वो पूरा यहाँ काम कराता रहा और निर्माण कार्य होता रहा। हमारे छोटे भाई जब वहाँ से बनारस से आए पढ़ाते हैं जब यहाँ पहुँचे तो काम रोकने के लिए कहे तो कोई उसमें से धक्का दे दिया उनका पैर टूट गया है और दूसरे पिताजी को कोई उसमें हमारे पिता बुजुर्ग हैं 80 साल के हैं उनको भी काम रोको तो उसको भी बांस उनको भी बांस लेके मारने के लिए उठ गए। कौन लोग थे जो मारे पीटे? वो हेमंत कुमार सिंह के गुंडे थे। हेमंत कुमार सिंह सनाप नाम मालूम है? हेमंत कुमार सिंह सनाप रघुवंश कुमार सिंह सराय बीरू के हैं जो उसे पट्टा करा रखे हैं 10 लाख रुपए में पूरी ज़मीन पट्टा करा के मुआयदा कराए हैं उसे मुआयदा कराए हैं 10 लाख रुपए में 10 लाख रुपए में 5 लाख उसको दिए हैं कहाँ कब्जा दिलाओगे शासन प्रशासन और गुंडा बदमाश लेबर हम व्यवस्था करेंगे तू पहले कब्जा दिलाओ। कब्जा दिलाने के चक्कर में वो आगे आया था और सारे गुंडे बदमाश लेबर हेमंत कुमार सिंह सराय बीरू के थे। क्या चाहते हैं? अब तक कहां तक आपने एप्लीकेशन दिया है? एप्लीकेशन सर दरोगा साहब का हम देखे हैं कि उनका रवैया ठीक नहीं है। इससे पहले हमारे भाई एक जैसे हमारे भाई के खेत से जेसीबी मशीन से कोई जो जेसीबी वाला था उठा ले गया नामजद उसको रिपोर्ट दिए कि हमारे चक नंबर इतना से इतना मिट्टी उठा लिए हैं तो दरोगा साहब का साफ कर दिए कि इसमें हमारा क्या रोल है मिट्टी उठा ले गए हैं अब हम क्या जाने आपका नंबर है कि दूसरे का नंबर है खाली हिल्ला हवाली करते हैं केवल बदमाशों से उनसे पैसा लेके काम करते हैं। क्या नाम है सर? मनोज कुमार सिंह यशो जलालपुर। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं सर हमको मतलब जो कमरा गिरा है उसको बनवाने के लिए खर्चा मिले बनवाने का आदेश मिले और इनका जो पैर टूटा है इस पर भी FIR दर्ज किया जाए। कैसे उनके काम वाले जो गुंडे बदमाश थे कोई धक्का दे दिए गिरे और इनका उस समय फ्रैक्चर हो गया मतलब चोट लगी लेकिन गर्म माहौल था पता नहीं चला रात में जब गए तो दर्द होने लगा तो सुबह गए डॉक्टर को वहाँ डॉक्टर अभय सिंह के यहाँ इलाज कराए तो फ्रैक्चर हो गया दो जगह इसमें पट्टी लगेगा। सिर्फ आप ही का मकान गिरा है? निर्माण जिसका हो रहा है सर SDM साहब आए पढ़ाते हैं ग्रामोदय विद्यालय में मझगवा में तो उस समय मौजूद नहीं थे फिर इनको सूचना मिली तो हुआ है तो बताए कि जो है कि हमारा मकान भी क्यों गिरा है सर तो उसके बाद SDM साहब आए नाप जोख कराए उससे पूछे कि क्यों गिरा दिए सर वो गिर गया इनका गिराते रहते गिर गया उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई उनसे उनको जो निर्माण कार्य है वो हमारे रकबे में भी आया है 267 जो नंबर नाप किए हैं SDM साहब संतुष्ट हुए हैं नाप करके वो कहें कि तो 267 में है क्यों गिराए तो कहाँ इसे सर हम समझ रहे थे कि हमारी ज़मीन है और इसको सब मान के चले गए। शाम को 4 लोग हैं देखिए इतने लोग आए हैं कब्जा करने ज़मीन ये अपना काम हो रहा है ये लोग भूमि माफिया लोग हैं ये अभी आपको पता चलेगा कि पेपर किसके नाम से है ये देखिए काम करा रहे हैं ये लोग हैं ये एक अंकल जी है यही मेन है भाई गाली फक्कर दे रहे हैं जान से मारने की धमकी दे रहे हैं यही वो चचा है गमछा कोई नहीं दे रहा है ये सब बना रहे खाली जो फर्जी से इतने लेबर मिस्त्री को बुला के वहां से थाने में बैठा लिए हमारे भाई को डेढ़ का लेबर लगा के जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं।